तो डियर स्टूडेंट, हमारे क्लास सिक्स स्टूडेंट हैं और आज हम ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज 10.3 पढ़ेंगे। ओके, ऑनलाइन क्लास सिक्स की मैथ्स एक्सरसाइज 10.3 24/11। तो आज देखो, हम पीछे भी वीडियो बता चुके हैं कि कोई भी एरिया, जो इस एरिया स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखो ये एरिया आर स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर साइड इनटू साइड। ठीक है, एरिया आर रेक्टेंगल अपन पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक्सरसाइज 10.3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आपको लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इनटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर नंबर 4। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन is 50 meter long and the area of the garden is 50 long is 300 square meter. Find the width of the garden. Find the width इसका साली का। तो एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ 300, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना, वाइड बी। तो बी जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 300/50। तो कट गया, आंसर आ जाएगा बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।